हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो क्लच की है और ये मल्टी प्लेट क्लच की न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में सबसे पहले स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं द मल्टीपल डिस्क क्लच हैज़ रेडियल विथ ऑफ द फ्रिक्शन मटीरियल इज़ वन फिफ्थ ऑफ द मैक्सिमम रेडियस एक मल्टीप्लेट क्लच जिसमें जो रेडियल विर्थ है फ्रिक्शन मटीरियल की या फ्रिक्शन सरफेस की उसकी जो डिमेंशन दी गई हैं वो दी गई हैं वन फिफ्थ ऑफ द मैक्सिमम रेडियस मैक्सिमम रेडियस होता है आउटर रेडियस जिसको हम आउटर सरफेस का रेडियस बोलते हैं द कोफिश ऑफ फ्रिक्शन इज़ीरो पॉइंट टू फाइव मीयू की जो वैल्यू है कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू वो जीरो पॉइंट टू फाइव दी गई है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिस्क रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट सिक्सटी किलो वॉट एट थ्री थाउजेंड आर पी एम हमारे को क्या फाइंड करना है हमारे को नंबर ऑफ प्लेट्स डिस्क नंबर ऑफ डिस्क फाइंड करनी है पावर जो ट्रांसमिट हो रही है वो सिक्सटी किलो वॉट हो रही है और आर पी एम जो उसके गिवन है वो रेवोलूशन पर मिनट वो थ्री थाउजेंड है द मैक्सिमम डाया मीटर ऑफ द क्लच इज़ टू फिफ्टी एम एम जो हमारे को मैक्सिमम डाया मीटर प्रोवाइड करा गया है वो टू फिफ्टी एम एम करा गया है यानी कि आउटर डाया मीटर इज टू फिफ्टी एम एम एंड द एग्जील फोर्स इज लिमिटेड टू सिक्स हंड्रेड न्यूटन और जो एग्जील फोर्स लग रही है क्लच में जिसको डबल जू के रूप में लिखते हैं हम उसकी जो वैल्यू है वो 600 न्यूटन है इससे ज़्यादा फोर्स नहीं लग सकती ऑल्सो फाइंड दी मीन यूनिट प्रेशर ऑन ईच कटेक्ट सरफेस और इसके अलावा हमारे को क्या फाइंड करना है मीन प्रेशर मीन यूनिट प्रेशर ईच सरफेस के ऊपर कितना लग रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन सबसे पहले जो हमारे को गिवन था वो ये था रेडियल विथ इज़ इक्वल टू वन फिफ्थ ऑफ़ द आउटर रेडियस रेडियस यानी कि मैक्सिमम जो गिवन था हमने वैसे लिख लिया बी इज इक्वल टू वन बाय फाइव ब्रैकेट में आर ओ आर ओ का मतलब क्या होगा आउटर रेडियस यानी कि मैक्सिमम रेडियस म्यू की, की वैल्यू जो गिवन थी वो जीरो पॉइंट टू फाइव थी पी पावर ट्रांसमिटेड सिक्सटी किलोवॉट आर पी एम थ्री थाउजेंड आर पी एम डी ओ डी ओ यानी कि आउटर डायामीटर। हमारे को आउटर डायामीटर गिवन है मगर हम आउटर डायामीटर यूज़ नहीं करते हम आउटर रेडियस यूज़ करते हैं इसलिए डायामीटर को हम टू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आउटर रेडियस आ जाएगा एक रिलेशन उन्होंने दिया था रेडियल विथ्थ और आउटर रेडियस के बीच यानी कि मैक्सिमम रेडियस के बीच वो था रेडियल विथ इज इक्वल टू वन बाई फाइव इन टू रेडियस यानी कि आउटर रेडियस अगर हम वन ट्वेंटी फाइव को फाइव से डिवाइड करेंगे तो वो ट्वेंटी फाइव एम एम आएगा इससे हमारे पास ये आ गया अभी जो रेडियल विथ होगी वो ट्वेंटी फाइव एम एम होगी और जो आउटर डायमीटर होगा आउटर रेडियस होगा सॉरी वो वन ट्वेंटी फाइव होगा और इनर रेडियस कैसे निकलेगा अगर हम आउटर रेडियस में से विथ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इनर रेडियस आ जाएगा 125 ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी हमारे पास इनर रेडियस 100 हंड्रेड mm आ जाएगा डबल जू की वैल्यू सिक्स हंड्रेड न्यूटन ये फिक्स है इसको हम इससे ज़्यादा नहीं ले सकते इसलिए डबल यू फिक्स रहेगा एन वन हमारे को फाइंड करना है नंबर ऑफ़ ड्राइविंग प्लेट्स फाइंड करनी है नंबर ऑफ ड्रिवन प्लेट्स फाइंड करनी है और पी मीन फाइंड करना है हमारे को तीन चीज़ें फाइंड करनी है इस नुमेरिकल में सबसे पहले पावर का फार्मूला लगेगा पावर इज इक्वल टू टू पाई एन टी बाई सिक्सटी सबसे कॉमन फार्मूला जो आप डिज़ाइन के नूमेरिकल्स में करते हो पावर की वैल्यू 60 किलो वॉट थी उसको पहले वॉट में कन्वर्ट करा 1000 से मल्टीप्लाई करके 2 पाई एन की वैल्यू 3000 3000 ने वैल्यू फिल कर दी टी की वैल्यू फाइंड करेंगे टी की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो वो आएगी 190.986 नाइन जीरो अप्रॉक्सीमेटली न्यूटन मीटर टी की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास बी रेडियल विथ्थ की जो वैल्यू आई थी वो आई थी ट्वेंटी फाइव आउटर रेडियस की वैल्यू 125 ट्वेंटी mm, अगर हम आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बिथ्थ यानी कि बी की वैल्यू आ जाती है सो so, 125 ट्वेंटी फाइव माइनस आर आई इज इक्वल टू ट्वेंटी फ़ाइव और वन ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू आर आई यानी कि इनर रेडियस की जो वैल्यू आएगी वो हंड्रेड एम एम आएगी आउटर रेडियस वन ट्वेंटी फाइव एम एम इनर रेडियस वन हंड्रेड एम एम और विर्थ रेडियल विर्थ की जो वैल्यू है वो ट्वेंटी फाइव एम इस तरीके से हमारे पास रेडियस की दो वैल्यूज आ गई इनर रेडियस की वैल्यू भी आ गई आउटर रेडियस की वैल्यू भी आ गई और विर्थ की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं जो ट्वेंटी फाइव थी अब हमारे को निकालना है मीन रेडियस मीन रेडियस निकालने का फार्मूला होता है आउटर रेडियस जमा इनर रेडियस डिवाइडेड बाय टू आउटर रेडियस था वन ट्वेंटी फाइव इनर रेडियस था वन हंड्रेड उसको टू से डिवाइड करा तो ये बन गया टू ट्वेंटी फाइव बाई आर को हम ऐसे ही रहने देते हैं 225/2 पॉइंट्स में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि आगे इसकी कैलकुलेशन होगी तो अगर हम पॉइंट में चेंज करेंगे तो हमारे को परेशानी हो सकती है इसलिए हमने इसको पॉइंट्स में चेंज नहीं करा ऐसे ही रहने दिया 225/2 mm we know that t is equal to n mu wr ये फॉर्मूला क्लच का है t टॉर्क n n इज दी नंबर ऑफ प्लेट्स मल्टी प्लेट क्लच में इसकी वैल्यू जो होती है वो नंबर ऑफ ड्राइविंग प्लेट प्लस नंबर ऑफ ड्रिवन प्लेट माइनस वन होती है और सिंगल प्लेट क्लच में स्मॉल एन की जो वैल्यू होती है वो टू होती है म्यू इज दी कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन डब्ल्यू इज द एक्सियल फोर्स आर इज आर इज दी मीन रेडियस तो टी की वैल्यू वन नाइनटी पॉइंट नाइन एट सिक्स इंटू टेन टू पावर थ्री टी की वैल्यू जो हमारे पास थी वो न्यूटन मीटर में थी उसको न्यूटन एम में कन्वर्ट करने के लिए हमने टेन डेज टू पावर थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू एन एन हमारे को फाइंड करना है वैल्यू जीरो पॉइंट टू फाइव गिवन थी डबल जू की वैल्यू अगर गिवन होगी तो हम वो फिल कर देंगे अगर नहीं गिवन होगी तो नीचे जो फॉर्मूला लिखा है डबल यू इज इक्वल टू टू पाई सी आर ई माइनस आर आई वो फार्मूला लगा के वैल्यू को फाइंड करेंगे मगर हमारे को यहाँ पे डबल जू की वैल्यू सिक्स हंड्रेड न्यूटन दी हुई है इसलिए ये फार्मूला नहीं लगेगा और हम सीधा इसकी वैल्यू सिक्स हंड्रेड को फिल सिक्स हंड्रेड फिल कर देंगे और लास्ट में आर की वैल्यू टू ट्वेंटी फाइव बाई टू वन नाइनटी पॉइंट नाइन एट सिक्स मल्टीप्लाई बाई टू पावर थ्री इज इक्वल टू एन इन टू जीरो पॉइंट टू फाइव सिक्स हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई टू टू फाइव बाई टू इससे हमारे पास जो एन की वैल्यू आएगी वो आएगी वन वन पॉइंट थ्री टू एलेवन पॉइंट थर्टी टू या थ्री टू बोल सकते हैं कभी भी एन की वैल्यू को इवन नंबर में इवन नंबर में सॉरी नहीं लेते एन की वैल्यू हमेशा इवन नंबर में ली जाएगी सो एन की वैल्यू हमारे पास आएगी ट्वेल्व जब हमारे पास एन की वैल्यू ट्वेल्व आएगी तो एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ ड्राइविंग प्लेट प्लस नंबर ऑफ ड्रिवन प्लेट माइनस वन इस तरह से हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ड्राइविंग प्लेट की वैल्यू आएगी वो सेवन आएगी नंबर ऑफ़ ड्रिवन प्लेट की जो वैल्यू आएगी वो सिक्स आएगी अगर हम सेवन और सिक्स को ऐड करते हैं थर्टीन बनता है थर्टीन में से वन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ट्वेल्व आता है हमारे को एन ट्वेल्व अचीव करना है तो वो ऐसे ही अचीव होगा नंबर ऑफ ड्राइविंग प्लेट सेवन नंबर ऑफ ड्रीवन प्लेट सिक्स ये बात याद रखने वाली है मल्टी प्लेट क्लच में नंबर ऑफ ड्राइविंग प्लेट हमेशा नंबर ऑफ ड्रीवन प्लेट से एक ज़्यादा होगी इसलिए नंबर ऑफ ड्राइविंग प्लेट का आंसर आ गया सेवन और नंबर ऑफ ड्रीवन प्लेट का आंसर आ गया सिक्स अब हमारे को निकालना है पी पी मीन या पी एवरेज उसके लिए हमारे को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यूनिफॉर्म वियर का अज्यूमिंग यूनिफॉर्म वियर पी एक्स इज इक्वल टू सी पी पी पे हम लिखेंगे जहाँ का प्रेशर ये और एक्स की जगह पे हम लिखेंगे जो डिस्टेंस है सेंटर से वो और इज इक्वल टू सी पी मीन अगर हम पी मैक्सिमम लेंगे तो जो डिस्टेंस आएगा वो आर आई आएगा अगर हम पी मिनिमम लेंगे तो डिस्टेंस आर ओ आएगा अगर हम पी मीन लेंगे तो डिस्टेंस आर आएगा तीन केसेस बनते हैं यूनिफॉर्म वियर में पी एक्स इज इक्वल टू सी में अगर पी मैक्सिमम है जो मैक्सिमम प्रेशर लगता है वो लगता है इनर रेडियस पे, इसलिए वहां पे लिखते हैं आर आई और जो मिनिमम प्रेशर लगता है वो लगता है आउटर रेडियस पे, तो इसलिए वहां पे लिखते हैं आर ओ या आर ई आर ओ मतलब आउटर रेडियस आर ई मतलब एक्सटर्नर रेडियस हम अगर मीन प्रेशर की बात कर रहे हैं तो आर भी जो होगा वो मीन होगा इसलिए पी मीन मल्टीप्लाई बाय आर इज़ इक्वल टू सी पी मीन इन टू टू ट्वेंटी फाइव बाई टू इज इक्वल टू सी आर की वैल्यू हमने जो फाइंड की थी वो फिल कर दी इज इक्वल टू सी कर देंगे सी की वैल्यू अब निकाल लेंगे हम डबल जू के फार्मूला से डबल जू का फॉर्मूला होता है टू पाई सी आर ई माइनस आर आई डबल जू की वैल्यू सिक्स हंड्रेड टू पाई सी को एज इट इज रहने देंगे आर ई e की वैल्यू वन ट्वेंटी फाइव आर आई की वैल्यू वन हंड्रेड तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिक्स हंड्रेड इज इक्वल टू टू पाई सी ट्वेंटी फाइव सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे को बाकी टर्म्स को उधर नीचे लेके जाना पड़ेगा 600 के नीचे 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 25 इससे सी की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो 3.82 न्यूटन पर एम mm एम आएगी इसी सी की वैल्यू को हम पी मीन के फॉर्मूले में फिल कर देंगे पी मीन इन टू ट्वेंटी फाइव बाई टू इज़ इक्वल टू थ्री पॉइंट एट टू इससे हमारे पास जो पी मीन की वैल्यू आएगी वो आएगी जीरो पॉइंट जीरो थ्री फोर न्यूटन पर एम mm एम इस तरह हमारे पास नंबर ऑफ ड्राइविंग प्लेट की वैल्यू भी आ गई नंबर ऑफ ड्रिवन प्लेट की वैल्यू भी आ गई और पी मीन की वैल्यू भी आ गई इस तरह हम मल्टीप्लेट के अनुमेरिकल को सॉल्व करेंगे इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो थैंक यू सो मच